हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अपने इस चैनल में लोगों के साथ घटी डरावनी घटनाओं को कहानी के रूप में सुनाते हैं। आज की कहानी चार दोस्तों की है जो एक हॉस्टल में साथ रहते थे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अमित है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। ये बात 2003 की है जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली गया था। दिल्ली में अपना घर ना होने के कारण मुझे एक कमरा रेंट पर चाहिए था, पर बहुत ढूंढने के बाद भी कोई कमरा रेंट पर नहीं मिला। इसलिए मैंने अपने कॉलेज के कुछ दूरी पर बने एक बॉयज़ हॉस्टल में एक रूम ले लिया। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल अच्छा था, बड़ा था, कमरे भी बड़े थे, लेकिन हॉस्टल के आसपास कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स थी, जिनमें से कुछ में काम चल रहा था, लेकिन एक बिल्डिंग थी जो शायद काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी, उसमें काम नहीं चल रहा था। शायद वो हॉस्टल के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक थी, इसलिए यह काम रोक दिया गया था। कुछ दिन हॉस्टल में बीतने के बाद ही मेरे ही कमरे में तीन और लड़के आए, जिनका नाम राकेश, गगन और शुक्ला था। शुक्ला का नाम भी अमित था, तो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम उसे शुक्ला बुलाते थे। हम चारों एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए हॉस्टल से कॉलेज और कॉलेज से हॉस्टल साथ आने जाने लगे। अब दिन बीतने लगे और इसके साथ ही हम कॉलेज से छूटने के बाद शहर में इधर उधर घूमने निकल जाते और रात को लेट लौटते। लेट लौटने की वजह से बहुत बार वार्डन हमें डांट चुका था कि लेट आना नहीं चलेगा। हम उस टाइम पर वार्डन को सॉरी बोल देते, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही लेट आने का सिलसिला शुरू हो जाता था। रात को लेट आने की वजह से हॉस्टल में घुसना मुश्किल होता था, लेकिन हम जैसे तैसे हॉस्टल में घुस ही जाते थे। रात में हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल बड़ा ही डरावना दिखता था, क्योंकि हॉस्टल के कॉरिडोर काफ़ी लंबे थे और उनमें हल्की हल्की पीली लाइट्स जली रहती थी, जो कि बड़ा ही डर पैदा करती थी। पर उस टाइम बच्चे या तो सोने की तैयारी कर रहे होते थे या पढ़ाई कर रहे होते थे, जिसकी वजह से हॉस्टल में कुछ आवाज़ रहती थी। पर वो अधूरी बिल्डिंग जो हमारे कॉरिडोर से और हमारे रूम की खिड़की से साफ नज़र आया करती थी, बहुत ही डरावनी थी। एक बार शुक्ला ने कहा, उस बिल्डिंग के बारे में तुमने सुना है? मैंने कहा, हाँ सुना है। अरे उसमें डरने की कोई बात नहीं है, हमारे सीनियर्स ने या वार्डन ने छोटे जूनियर स्टूडेंट्स को डराने के लिए ये सारी बात उड़ाई होंगी। ये कहकर हम लोग हंसने लगे। हम इन बातों पर विश्वास तो नहीं करते थे, लेकिन जब भी उस बिल्डिंग को देखते थे तो डर से अपने आप ही रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। एक दिन की बात है, हमें आने में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई, शायद 1:30 से 2 बजे का टाइम होगा। हम जैसे तैसे हॉस्टल का गेट कूदकर हॉस्टल में घुसे और चुपचाप दबे पैरों से अपने रूम की तरफ जाने लगे। आज हॉस्टल में बहुत अंधेरा था, शायद लाइट नहीं थी, लेकिन बाहर पूरा चांद होने की वजह से हॉस्टल के कॉरिडोर में चांद की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वो तो और दिनों से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था, और इस टाइम तक सारे स्टूडेंट्स सोने की वजह से हॉस्टल में बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं थी, और हवा भी चलने की आवाज़ साए साए सुनाई देती थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमारी नज़र उस बिल्डिंग पर पड़ी। आज तो वो बिल्डिंग इतनी डरावनी लग रही थी कि अच्छे खासे इंसान के भी पसीने छूट जाए। हम अपने कमरे में पहुँचे, वहाँ पहुंचकर हमने देखा कि पानी नहीं है, तो शुक्ला ने कहा, मैं तो नहीं चलूँगा, तुम ही जाओ। मैं, राकेश और गगन पानी लेने के लिए चले गए। पानी भरते टाइम जब मेरी नज़र उस बिल्डिंग पर पड़ी तो मुझे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। मैंने देखा कि वहाँ एक लाइट जली हुई है। मैंने गगन और राकेश से कहा, देखो आज उस बिल्डिंग में लाइट जली है। उन्होंने देखा तो उन दोनों ने बोला, कहाँ, वहाँ तो कोई लाइट नहीं जली है, और आज हॉस्टल में लाइट नहीं है तो उस सुनसान बिल्डिंग में लाइट कहाँ से जलेगी।
मैंने कहा, नहीं देखो ना, जली तो है। वो दोनों कहने लगे, हमारी डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा, नहीं नहीं। फिर मैंने जब देखा तो सचमुच वहाँ कोई लाइट नहीं जल रही थी। मुझे लगा मेरा ही वहम होगा। हम पानी भरकर जब तक कमरे में आए तो शुक्ला सो चुका था। हम भी थके होते इसलिए हमें भी नींद आ गई। लगभग रात के 3 या 3:30 बजे मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि वो तीनों खिड़की के पास खड़े होकर कुछ देख रहे हैं। मैंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो कोई जवाब नहीं आया। मैं उठकर उनके पास गया तो उनका कोई रिएक्शन भी नहीं था, बस बाहर देख रहे थे। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो? तो राकेश बोला, यार देख उस बिल्डिंग पर कितनी खूबसूरत लड़की घूम रही है। मुझे लगा राकेश नींद में है, पर गगन और शुक्ला क्या देख रहे थे? जैसे ही मैंने देखा तो डर से मेरे होश ही उड़ गए। एक डरावने से चेहरे वाली लड़की बिल्डिंग की छत की दीवार पर अपने पैर लटकाए हुए बैठी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था और उसकी काली जीभ बाहर की तरफ लंबी सी लटकी हुई थी, और हंसने के लिए जब वो मुंह खोली तो उसका मुंह दो हिस्सों में बट गया। ये देखकर तो मेरी जैसे सांस ही रुक गई। कुछ देर के लिए मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। मैं अपनी आँखों को बंद करने की कोशिश कर रहा था और मुंह से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मैं बिल्कुल जैसे एक मूर्ति सा बनकर वहीं खड़ा रह गया। जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने अपने मन में भगवान का नाम लिया और खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करते ही वो तीनों मुझसे बहस करने लगे, तुमने खिड़की क्यों बंद कर दी? मैं उन्हें समझाने लगा लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। तभी हमारी खिड़की में खटखटाने की आवाज़ आई। गगन बोला, देखो शायद वही लड़की आई होगी। मैंने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम 5वें माले पर रहते हैं। ये सुनकर उनको होश आया और फिर उन्हें भी डर लगने लगा। अब हम चारों ही भगवान का नाम ले रहे थे। जैसे जैसे हम भगवान का नाम ले रहे थे वैसे वैसे विंडो पर खटखटाने की आवाज़ और भी ज़ोर से होने लगी, और साथ ही अजीब सी आवाज़ आई, खोलो इसे, मैं देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है। चारों ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम जपने लगे और थोड़ी देर बाद एक ज़ोर की चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। हम चारों ने एक कोने पर चिपक कर बैठे बैठे रात गुजारी। सुबह की पहली किरण के साथ जब चिड़ियों की आवाज़ आई तब जाकर हम में थोड़ी हिम्मत आई और हम भागते हुए वार्डन के पास गए और सब कुछ बताया। तब उस वार्डन ने कहा, ये बिल्डिंग जब बन रही थी तब यहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो गई थी, तभी से ये बिल्डिंग अधूरी रह गई है, क्योंकि उसके बाद इसे कोई नहीं बना पाया। जो भी इसे बनाने के लिए यहाँ रहता या तो पागल हो जाता या इस जगह को छोड़कर चला जाता। तब से यहाँ का काम बिल्कुल बंद पड़ा है। शायद कल रात तुम्हारा सामना उसी औरत की आत्मा से हुआ था। उसके बाद क्या, हमने अपना रूम चेंज कर दिया और उस रूम और उस खिड़की को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी डालें तो आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू।